हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 2000 का है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि 2015 का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें जीके में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का, या फिर दंत विज्ञान का? तो फ्रेंड्स, ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जब भी पक्षियों का अध्ययन की बात आती है, तो वहां पे जो विज्ञान यूज किया जाता है वो होता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, मायोपिया क्या होता है? दूर दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, कानों के दोष के लिए, या फिर एक प्रकार का स्वर है? तो फ्रेंड्स, मायोपिया यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। जिसको आईसाइट में प्रॉब्लम होती है, जिसको नियर आईसाइट प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मायोपिया यूज किया जाता है वर्ड। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में, या कैलिफोर्निया में? तो फ्रेंड्स, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, तो इसका आंसर वन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर हम जापान की संसद की बात करें तो उसका नाम है डाइट। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, या विलियम बेंटिक? तो फ्रेंड्स, भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी, जो कि मुंबई थाने से चली थी, वो थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट, हिमालय, आल्प्स, या फिर हिमालय? तो फ्रेंड्स, सबसे ऊंची पर्वतमाला है एवरेस्ट, जो कि हिमालय है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, या फिर जहांगीर ने? तो फ्रेंड्स, जो जजिया कर था वो हिंदुओं पर लगाया जाता था, और उसको अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी का जो प्रचार प्रसार है, भारत में किसने किया था? कर्नल अलकाट ने, एनी बेसेंट ने, राजा राममोहन राय ने, या फिर विलियम बेंटिक ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम भारत की बात करें कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो वो थी एनी बेसेंट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, या फिर नई दिल्ली में है? तो फ्रेंड्स, सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कालीकट, कांडला, या फिर गोवा? तो फ्रेंड्स, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें कि मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है, तो वो है कांडला, जो कि पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह है भारत का। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, वेरोमीटर, टैकोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर? तो फ्रेंड्स, जो दूध होता है उसमें शुद्धता उसकी जांचने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध, शुक्र, प्लूटो, या फिर मंगल? तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी चमकदार ग्रह की बात करते हैं, तो वो है शुक्र, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकदार होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर स्पीकर? तो फ्रेंड्स, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो उसका सभापतित्व होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जब भारत का विभाजन किया गया था, तो 3 जून 1947 को एक योजना बनाई गई थी, तो हमें बताना है कि उस योजना को क्या कहते हैं। लॉर्ड माउंटेन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेवेल योजना, या फिर क्रिप्स योजना? तो फ्रेंड्स, ये योजना बनाई थी लॉर्ड माउंटेन ने, इसलिए इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह पर किसने जोर दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, गोपाल हरि देशमुख ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, तो इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इन्होंने खुद एक विधवा स्त्री से शादी की थी, जिसके बाद इन्होंने इस जो भी कुप्रथा थी इसको हटाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? मैडमस,
हैबियस कार्पस, कोवार्टो या सर्टियोरारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है हैबियस कार्पस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र या फिर खून? तो फ्रेंड्स, कैल्शियम जो हमारा सहायक होता है वो है हड्डी। ये हड्डियों को मजबूत करता है और इसकी कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या फिर महानदी? तो फ्रेंड्स, अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है ताप्ती नदी। और जो सबसे ज्यादा जो जल जिस नदी का गिरता है अरब सागर में वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन? तो फ्रेंड्स, अगर शरीर के अंदर हमारा हेपरिन की कमी होगी तो इसके कारण, सॉरी, हेपरिन की अगर उपस्थिति होगी तो इसके कारण हमारे शरीर के भीतर जो है वो रक्त नहीं जमेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उनका नाम गयासुद्दीन तुगलक भी था और इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि कौन उदारवादी नहीं है। तो ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा उदारवादी नेता नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? वैशाली, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ? तो फ्रेंड्स, अपना जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना जो उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किया था वो किया था सारनाथ में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लाहौर में, बदायूं में या फिर सासाराम में? तो फ्रेंड्स, शेरशाह की जो कब्र है वो सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विस या फिर सभा? तो फ्रेंड्स, वैदिक युग में जो ग्राम समूह हुआ करते थे उनको विस नाम दिया गया था। या तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त? तो फ्रेंड्स, ह्वेनसांग भारत आया था यात्रा पर तो वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं, तत्व बोधिनी सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो समाज सेवी संस्था स्थापित की थी उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर अरुणा आसफ अली? तो फ्रेंड्स, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर या फिर मधुमेह? तो फ्रेंड्स, एचआईवी का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता या फिर पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिन और रात बनने के कारण तो यहाँ पे ऑप्शंस ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना भी यही एक ये भी कारण है, दूसरा ये भी कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें कि प्रीवियस पेपर में कौन सा इसका राइट आंसर था, तो इसमें जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी,
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उन्होंने इसको करेक्ट माना था। नेक्स्ट है, रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाजों की चाल मापने के लिए, जहाजों का भार मापने के लिए, जहाजों का मार्ग मापने के लिए, या फिर जहाजों की गति, स्थिति और दिशा मापने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जहाज पर रडार लगी होती है, तो उस रडार का काम होता है जहाज की गति, स्थिति और दिशा पता लगाना कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है? इथोपिया, श्रीलंका, भारत या फिर ब्राजील। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताना है कि भारत का सबसे अधिकतम कॉफी उत्पादक प्रदेश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वो है यहाँ पर ब्राजील। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। जो सबसे ज्यादा कॉफी उगती है भारत के अंदर, वो है हमारा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? केवल ए ग्रुप, केवल ए बी ग्रुप, केवल ओ ग्रुप, या फिर ए तथा ओ ग्रुप। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ग्रुप ए को रक्त देने की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए है वो भी ए को ब्लड दे सकता है, और ओ तो हर किसी को ब्लड दे सकता है, फिर चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या फिर ओ हो। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1935 में, या फिर सन 1937 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, घासीराम कोतवाली पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर या फिर बिमल मित्र। तो फ्रेंड्स, अगर हम घासीराम कोतवाली की बात करें, तो इसके जो लेखक हैं वो है विजय तेंदुलकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में से निम्न में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, या फिर मृत्यु दर कम होना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत की जो आर्थिक विकास की जो मूल समस्या है वो उत्पन्न हुई? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मृत्यु दर कम होना। ये इसमें से ऐसा कोई भी कारक उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि डायरेक्ट इफेक्ट करती है विकास में, निर्धनता असमानता भी इफेक्ट करती है, और बेरोजगारी एंड अशिक्षा भी इफेक्ट करती है। क्योंकि अशिक्षा होगी तो लोग आगे इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, और ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम को वो उस ढंग से नहीं कर पाएंगे कि उन्हें वहाँ पर प्रॉफिट अर्न हो। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, मलुकदास, चंदबरदाई या फिर शरफुद्दीन यजदी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि पृथ्वीराजो की रचना जो जो कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर बेस्ड है, तो उसकी रचना की थी चंदबरदाई ने। ये बहुत ही फेमस जीवनी है फ्रेंड्स, हर बार इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी वो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1550, 1556, 1559 या फिर 1560 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पानीपत के युद्ध की कि उसका द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऋषि राजगोपालचारी। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दयानंद के बचपन का क्या नाम था? परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद या फिर अंबुश अंबाशंकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दयानंद के बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में,
1576 में या फिर 1761 में। तो फ्रेंड्स प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अष्ट प्रधान का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है, मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, या फिर कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, एक तरह का कर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम अष्टप्रधान की बात करें तो ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो कि मराठा शासक के यहाँ काम किया करती थी और ये उनके सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान, या फिर चांद बीबी। तो फ्रेंड्स दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली जो प्रथम महिला थी और अंतिम महिला भी थी वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 92वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51A, 53A, 54A, या फिर 55A। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 54A। नेक्स्ट है, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में। तो पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, ये डॉक्टर कुरियन की याद में दिया जाता है। डॉक्टर कुरियन डेयरी विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? बंकिम चंद चटर्जी ने, रविनाथ टैगोर ने, आशुतोष चटर्जी ने, या फिर हरिद्रनाथ टैगोर ने। तो फ्रेंड्स राष्ट्रगान की जनगण मन जो था उसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सिक्कों के चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्रदित्य, या फिर स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड चांदी के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत को, मिश्र को, सूडान को, या फिर जापान को। तो फ्रेंड्स नील नदी की कहा जाता है कि ये मिश्र की देन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? पहली, दूसरी, चौथी, या फिर पांचवी। तो फ्रेंड्स जो पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे भारत के अंदर किया गया था वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर ये नारा दिया गया था कि गरीबी को हटाओ। नेक्स्ट है, 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था गांधी यात्रा क्यों की? नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, एबा बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और वहां पे दांडी यात्रा भी शुरू की थी 1930 में। तो ये किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग नमक पे टैक्स लगाते थे और बहुत भारी कर उस पे लिया करते थे। तो इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको इन क्वेश्चंस से बहुत हेल्प मिली होगी और ये था हमारा 2015 का। हम कोशिश करेंगे 2015 के सभी सेक्शंस के जो प्रीवियस पेपर है उसको अपलोड करते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद हम 2016, 17 एंड 2018 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।